बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। T20 क्रिकेट का मेला इन दिनों अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी है। 5 मैचेस आज हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो अब तक बोलर्स का पल्ला भारी रहा है, और सिवाय पहले मैच के जिसमें कनाडा ने 194 रन स्कोर किए और उसके जवाब में अमेरिका ने वो हदफ जो है वो पूरा कर लिया 3 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाकर। लेकिन उसके अलावा बकिया जो मैचेस हुए, कल जो मैच हुआ पापुआ न्यूगिनी और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें 136 रन बनाना वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद आज जो मैच हुआ जिसमें नमीबिया और ओमान की टीमें मद्दे मुकाबल थी, इस मैच में 109 रन बनाना नमीबिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और फिर उसके अलावा आज जो अभी थोड़ी देर पहले मैच खत्म हुआ है कि जो एक मरतबा की चैंपियन 2014 की T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन श्रीलंका और चोकर्स कहलाने वाली साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के दरमियान था, उस मैच में न्यूयॉर्क के नसाओ के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में सिर्फ 77 रन पर ढेर हो गई जो है वो आज श्रीलंका की टीम, और उसके हदफ के ताकुब में 78 रन 17वें ओवर में स्कोर किए साउथ अफ्रीका ने, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल थी। हम पिच के हवाले से बात करेंगे, जो ड्रॉप इन पिच है ये वही पिच है जहां 9 जून को पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलना है, लेकिन ये वही पिच है जहां 5 जून को भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ ग्रुप ए का मैच खेलेगी, तो उनको कम अज़ कम इस पिच से हम आहंगी उनकी ज़रूर होगी। बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और अगर आप कॉल करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580424 पर कॉल कीजिएगा, 3580424। हमारे साथ मौजूद है कल की तरह, हर रोज की तरह आज भी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करते हैं, और इस शो में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, प्योरली हम क्रिकेट डिस्कस करते हैं। तो खुर्रम मंजूर से आज भी क्रिकेट डिस्कस करेंगे और आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। खुर्रम, जिस तरह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप भी कह रहे थे, मेरी भी ये राय थी, और आप तो चूंकि वहाँ खेले, वेस्ट इंडीज़ में भी खेले, आप अमेरिका में भी खेले, कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, पिचेस जो है लो बाउंस पिचेस होंगी, बैट्समैनों को जिस तरह से आईपीएल में पटाखा तरीके से पिचेस थी उस तरह की पिचेस नहीं होंगी, और यही नज़र आ रहा है अब तक। ठीक है, ये हकीकत है, और वहाँ का कुछ इस तरह का अगर पिछले 2-3 साल का देख लें, क्योंकि टीमें जो होती हैं ना वो प्रिपरेशन करके जाती है, इस सेंस में कि आखिरी 6 महीने में पिचों का बिहेवियर क्या था, या आखिरी 1.5-2 साल से रिसर्च करते हैं कि उसमें पहले बैटिंग में फ़ायदा है, दूसरी बैटिंग में फ़ायदा है, चेज़ मुश्किल है, आसान है, बिहेव किस तरह चेंज होता है, रात का मैच का अलग है, दिन का अलग है। एक चीज़ कॉमन है, लो बाउंस। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ सर, आपने देखा होगा 5 या 6 मैच हुए, सब मैच में हर टीमें एक चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रही हैं जो शायद किसी के समझ नहीं आ रही। यहाँ स्ट्राइक रेट को साइड पे करना पड़ेगा आपको, वो जो एक दिमागों में बन गया है ना कि स्ट्राइक रेट हाई होगा, हम इस तरह एक्सेलरेट करेंगे, ये वो पिचे है ही नहीं। तो इन पिचेस पर रिजवान और बाबर की जोड़ी पाकिस्तान के लिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ, बाबर और रिजवान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए एज ए ओपनर, जिस तरह उनका नेचर ऑफ प्ले है ये पिचेस उनको सूट करती हैं। अगर वो जिस तरह, जिसको हम देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्रिकेटर आपस में, कि अगर दोनों अपनी जोबन पे खेले तो पाकिस्तान हिस्ट्री बना सकता है, अल्लाह करे बनाए, देखें, क्योंकि वो टाइम लेने के आदी हैं, और इस तरह की पिचेस पे जो टाइम लेके बैट्समैन खेलता है वो टीमें अच्छा टोटल भी कर रही हैं और डिसेंट तरीके से चेस भी कर रही हैं। लेकिन खुर्रम, डेलस में मैच हुआ, गयाना में मैच हुआ, बाबाडोस में मैच हुआ, और आज जो मैच हुआ है न्यूयॉर्क में, ड्रॉप इन पिच आपको डिफरेंट नजर आई उन मैचेस से जो गयाना में, बाबाडोस में या फिर डेलस में हुए? नहीं, अगर देखें, अगर हम साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करें, देखें पिच लो बाउंस था, ग्रिप इतना नहीं हो रहा था, ठीक है, ऑकवर्ड बाउंस भी था, आपने देखा है एक बॉल निकली जिस तरह सनराइज़ बॉल कर रहा था, उसने 150 पे बॉल किया और वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लगा, नोकिया बॉल कर रहा था उनका, वो भी 150 कर गया, 150 कर रहा था, वो अनप्रेडिक्टेबल, देखें पेस तो तंग करता है, मगर पेस अगर राइट एरियाज में बॉल करेगा, अगर वो वेवर्ट होगा तो उससे ज्यादा मार भी किसी को नहीं लगती, तो वो विद इन स्टंप बॉल कर रहे थे। फिर थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कि श्रीलंकन टीम पे पहले हम बात कर लेते हैं, श्रीलंकन टीम ने, सही है आपके पास इतने बड़े नाम नहीं है, मगर
इस लेवल की भी क्रिकेट आपने नहीं खेली जो आपका एक स्टैंडर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल लो अंडर द ब्लो इन्होंने क्रिकेट खेली, कोई अटैकिंग नहीं थी, सही है आप जो शॉट भी अटैक करने की कोशिश की वो हवा में कैच आउट हो गए, थोड़ा शॉट सेलेक्ट पुअर शॉट सिलेक्शन। अगर आपने सोचा हुआ था कि हम नई बॉल पे विकेट नहीं देंगे 6 ओवर में, तो आपने विकेट दी नहीं है, फिर पुअर शॉट सिलेक्शन हुई है और कोई भी पार्टनरशिप डेवलप नहीं। अच्छा पार्टनरशिप इस तरह की पिचेस पे जो वो खेल रहे थे, दो चीजों से डेवलप होती है, एक या तो आप आउट ही ना हो, दूसरा जब आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, वो डॉट बॉल कर रहे थे या वो बाउंड्री ढूंढ रहे थे, उसी चक्कर में आउट हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ी मिसिंग है जिस, और कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर में, अच्छा साउथ अफ्रीकन जो मशहूर हैं चौकर्स, वो किसी वजह से इनकी बॉलिंग से कभी भी नहीं ये फारिग हुए, ये हमेशा प्रेशर के मैच में बैटिंग इनकी चोक करती है। कितने बड़े बड़े नाम थे, क्लासन, मार्करम और डिकॉक हो गया, और भी मिलर है, और भी नीचे डेप्थ में, मगर किसी का एक वो मोमेंटम ही नहीं लगा। क्लासन और फिर रिज हेनरी, मतलब ऐसे प्लेयर हैं जो सारी लीगें खेल रहे हैं और बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हैं, अच्छी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस, मगर आज थोड़ा सा प्रेशर आया कि ये 70-75 रन चेस करने, अगर सोचेंगे 100 क्रॉस कर जाते और अच्छे एरियाज में बॉल करते, क्योंकि इनके बॉलर्स ने खासतौर, अब इससे अंदाजा लगाएं जो टीम पहला ओवर अंजलि मैथ्यूज से करा रही है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कप्तानों को हुआ क्या है, अपने टीम का बेस्ट बॉलर लगाना चाहिए वो अंजलि मैथ्यूज को दे रहे, वो कल ऐसी गलती ओमान ने की थी, मतलब आप सोचें तो कौन सी प्लानिंग है, इतने बड़े बड़े कोचेज बैठे हुए हैं, वो क्या गाइड नहीं करते हैं या उनको मिस्टेक्स नहीं दिख रही है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मिर्जा साहब कासम बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। आपकी आवाज स्लो आ रही है, जरा इनकी आवाज तेज कीजिए। जी मिर्जा साहब कासम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी क्या है, ठीक है, क्या कहेंगे कासम आप? सर एक तो ये मैंने पूछना था कि हसारंगा ने आज टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला किया, क्या ये इस लेवल पर अहम काना फैसला नहीं था? कैसे, क्योंकि पहली दफा पिच पर खेल लेते ना, तो उसके बाद जो हमारे पिछला T20 था उसमें हमारे मेन बॉलर थे उनको इतनी पिटाई हुई, उसके बावजूद हारिस को नहीं लाया गया, तो क्या ये बाबर आजम की गलती नहीं थी? ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ गया। जब पाकिस्तान का मैच होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉस जीतकर जो कह रहे थे हसारंगा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और आपने सुना होगा वो एडन मार्करम वो कह रहा था अगर मैं टॉस जीतता तो मैं बॉलिंग करता। देखें इसकी एक, मुझे जो ऐसा लगा श्रीलंकन जो है ना थोड़ा सा टेक्निक पे ज्यादा चलते, उनके जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनकी बेस ऐसी होती है स्कूलिंग बेस, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लान किया कि ये पिच थोड़ा ट्रिकी है, अगर हम इस पर डिसेंट टोटल कर लें, अगर आप क्योंकि देखें टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, उनके 6 ओवर में दिख रहा था कोई ना कोई प्लान जहन में है, मगर इतना शेल में चले जाएंगे ये किसी को भी आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से धड़ाधड़ विकेटें गिरी। देखें जब डॉट बॉल होती है ना दुनिया में किसी भी क्रिकेट में, अब डॉट बॉल को बुरा समझा जाता है, कोई बड़ा बैट्समैन होगा वो अंडर प्रेशर होगा ना, इसी बात है, अगर कोई अच्छा भी खेल रहा है और सामने वाले प्लेयर ने डॉट शुरू कर दिए तो वो उस पर प्रेशर आएगा, तो ये देखें ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो क्लियर दिख रही थी, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने उसका फायदा उठाया, जब वो अटैक कर रहे थे उनका प्रेशर बढ़ रहा था, उनके ऊपर काउंटर हुआ ही नहीं किसी भी बॉलर पे, और जब अननेसेसरी मारना शुरू किया तो आउट होना शुरू हो गए। लेकिन आपको, मुझे तो बाउंस लगा, आपको नहीं लगा इस पिच पर जो ऑकवर्ड बाउंस था, तेज गेंद जा रही थी, स्लो पिच नहीं नजर आई मुझे? नहीं नहीं, स्लो इस सेंस में कह रहे हैं कि स्पिनर का बॉल नीचे रह रहा था, स्लो इस सेंस में कह रहे हैं, पीछे पटकने वाला बॉल थोड़ा कैरी कर रहा था, आपने देखा होगा नोकिया के 2-3 बॉल दो टप्पे में गए डिकॉक के पास, जबकि वो लेंथ बॉल की थी, जब लेंथ बॉल बॉलर के कीपर के पास कैरी करता है उसको बोलते हैं हार्ड बाउंस पिच। लेकिन आप देखें जो जिस तरह कैशव महाराज ने बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की वो, तो नहीं नो डाउट। अच्छा मैं थोड़ा सरप्राइज था इस चीज को लेके कि उन्होंने आज उसको बिठा दिया शम्सी को नहीं खिला। मगर कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस पे डाउट है, क्योंकि आपने देखा होगा PSL में भी उसको फ्रेंचाइज भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। लेकिन महाराज उससे ज्यादा अच्छा नहीं है साउथ अफ्रीका में, ऐसे 2020 हुई टीम की कप्तानी की महाराज ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की। सर करंट क्रिकेट में सबसे अच्छी बॉलिंग अगर देखा जाए जो अकील हुसैन है वेस्टइंडीज का, उसके बाद इसको कंसीडर होता है, फिर वो जो न्यूजीलैंड का है उसका मिचेल सैंटनर, ये तीन को हाईली रेट किया जाता है, फिर रविंद्र जडेजा, फिर दूसरे आते हैं, मगर इन तीनों की एक लेवल है और उसने आज वही चीज करके दिखाई। अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर साउथ अफ्रीका ने इसी
बिहेवियर से क्रिकेट खेलनी है तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो टीम थोड़ी ऐसी थी कि इनकी बॉलिंग थोड़ी सी डाउट में थी, थोड़ी बेहतर टीम आएगी साउथ अफ्रीका, ये राउंड में ही मुश्किल हो जाएगा इन्हें, क्योंकि 70-75 रन आप जो आपका मोमेंटम वो तो खेले ओवर में आप स्कोर कर रहे हैं, आपका मोमेंटम कहीं से दिखाई नहीं उनकी, चले स्ट्रगलिंग दिख रही थी, वो प्लान किए हुए थे कि टॉस जीत के बैटिंग किए, आपकी टीम को तो प्रेशर ही नहीं होना चाहिए था। आप कम टारगेट, अब डी कॉक का अगर आपने बैट को रुकवा दिया, वो नहीं है प्लेयर, अब वो रुकने वाला, जो तीन साल पुराना डी कॉक था अब वो इस, अब जो 2024 में खेल रहा है, क्योंकि लीग्स में थ्रू आउट आप अटैकिंग खेलते हैं, अच्छी बॉल पे सिंगल, बैट बॉल पे बाउंड्री, आज वो टोटल मिसिंग था, इसलिए इतनी इनको स्ट्रगलिंग करनी पड़ी। और ये अगर साउथ अफ्रीका इस मैच से भी नहीं सीखेगा तो इन्हें बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि श्रीलंका की, अभी आप चांसेस देखते हैं कि चले पहला मैच हुआ है, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग फॉर्म मुझे उस तरह की, कौशल मेंडिस भी था उस टीम में, बैटिंग बड़ी तगड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं, अच्छा इकबाल भाई आपने अच्छा सवाल रेज किया है, और मुझे, मैं इससे ज्यादा ना मैं इस चीज पे आऊंगा कि इनका जो सना नायका कैप्टन था जिसकी अंडर कैप्टनशिप एशिया कप जीते, उसको दर्शन सना नायका, उसको हटाने की लॉजिक समझ नहीं आई दूसरी टीमों को, और एशिया कप आप एक अच्छी टीमों को मार के जीते थे, हमें ही फाइनल में मारा था, तो आप एक कैप्टन स्टेब्लिश हो गया, उसने प्लेयर बना लिया, आपने सडन इतने बड़े इवेंट से पहले हटा भी बहुत है वहां, देखे ना इन्फ्लुएंस आ गया ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया, वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंकन के वो खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, बहुत सारे मसाइल हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, इकबाल भाई, अली काजमी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली काजमी साहब, क्या पूछना चाहेंगे, कैसे हैं आप, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी जी हैं? जी, अच्छा, मेरा बेसिकली सवाल ये था कि आजकल के दौर में आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि आप समझते हैं कि थेरेपिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की टीम्स को जरूरत है? बिकॉज हमने पास्ट में देखा कि अगर आप पाकिस्तानी टीम की बात करें तो मतलब एक हारने का एक सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट होता है। आदमी साहब, इस टीम के साथ भी उन्होंने रखा है मेंटली जो वो करने के लिए ना रखा है, किसी गोरे को रखा है, डेविड नाम है गालिबन उसका। हाँ जी बिल्कुल रखा है, क्योंकि ये कि मतलब माजी में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से 15 लगातार टेस्ट हार चुकी है, हमने ऐसा भी देखा है साउथ अफ्रीका से 14 लगातार वनडे हार चुकी है। सही, तो मतलब सवाल मेरा यही था कि क्या अब ये जरूरी हो गया कि टीम के लिए एक साइकोलॉजिस्ट मुस्तकिल होना चाहिए? बिल्कुल, क्या राय है सवाल? ठीक है, खुर्रम आप बताइए क्या कहें? सर इसका बिल्कुल स्ट्रेट जवाब ये है कि साइकोलॉजी से बेहतर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लास्ट जो शान की कप्तानी में एक टेस्ट मैच आपके हाथ में आया था वो ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल वो आपने अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दी, तो इसमें तो आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बुला लें, आप बात कर लें, बैठ लें, आपने इन दी एंड खेलना परफॉर्म कर दे। दूसरी बात ये सर, अच्छी सिलेक्शन और पॉजिटिव क्रिकेट। अच्छा पॉजिटिव क्रिकेट क्या है, जिसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ सर, आप अपनी होम सीरीज में आप अनप्रिडिक्टेबल पिच पे खेल रहे हो, जिसको पता है एक सीमेंट की तरह पिच बना दो, आपको ये नहीं पता इस पे स्पिन कितना होगा, इसके ऊपर बाउंस कितना होगा, ये फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी, ये स्पिनर को हेल्प करेगी, चौथे दिन रिजल्ट क्या आएगा। इंडिया की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, वो अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज बताते हैं, हम स्पिनर्स पे सबको घेरेंगे, वो यही करते हैं। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, जब आप अपनी होम सीरीज का एडवांटेज नहीं ले रहे तो फिर आपका कोई वे नहीं है। सही। तो फिर ये गिले शिकवे नहीं बनते कि हम इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, होम सीरीज है ना, आप अपनी अपनी मर्जी के पिच बनाए, ठीक है। ये तो कैफ ने वर्ल्ड कप के बीच में कहा, जो हम आ रहे हैं, हम अपनी गलत पिच रीड हुई उसकी वजह से जो अहमदाबाद की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिम लेकर ने एक ही टेस्ट इनिंग में 10 विकेटें ली थी, लेकिन उन्होंने तो इंग्लैंड में कारनामा सर अंजाम दिया था, लेकिन जो उसके बाद 10-10 विकेटें दो बॉलर्स ने ली हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो दोनों विकेटें उन्होंने जो है 10-10 विकेटें भारतीय पिचेस पर ली। 1999 में जो आपको याद होगा, अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 10 विकेटें ली, और फिर उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले एजाज पटेल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है न्यूजीलैंड के, उन्होंने एक मुंबई टेस्ट में 10-10 विकेटें ली। तो इंडिया में पिचेस इसी तरह की बनती है, हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंदूर जिनसे हम बात कर रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से कबल अली काजमी साहब की इस्लामाबाद से कॉल आई और जिनका ये कहना था कि अब क्या जरूरत है कि किसी साइकेट्रिस्ट को रखा जाए खिलाड़ियों के साथ। एक जमाना था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी एक जिसे कहें जी मेंटोर टाइप के थे वो सिद्दीकी साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। और दिलचस्प बात यह कि 2002 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुबई में खेल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में सीरीज नहीं थी, शारजा में सीरीज थी, और शारजा और फिर हम श्रीलंका भी खेलने गए, तो उस सीरीज में वो क्या करते थे, जब टीम होटल से रवाना होती थी तो टीम की बस में वो गाना लगा देते थे, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा है अब वक्त शहादत अब आया, वो क्रिकेटर्स के लिए लगाते थे। तो बड़े क्रिकेटर्स ने मुझे बताया और बड़ा मजाक उड़ाते थे कि हमारा मेंटोर हमें ऐसे कह रहा है जैसे जंग पे लेके जा रहा है। खुर्रम, इस तरह की चीजें होती कि जंग पे लेके जा रहे होते, ये बोला रहा है ऐसा लग रहा है बागा बॉर्डर जा रहे हैं। हाँ वही तो, कि वो बस में गाना चल रहा होता। और उसी टूर पे आपको याद होगा हसन रजा लेट हो गए, उनको छोड़कर आ गए मैनेजर साहब, और पता ही चला कि हसन रजा बड़ी और बैटिंग कर रहे थे, वो नॉट आउट थे शारजा में, और पता चला कि बड़ी मुश्किल से वो टैक्सी करके पहुंचे और सीधे पैड पहनकर वो ग्राउंड में गए क्योंकि टेस्ट मैच था, वो लाइव दिखाया जा रहा था। तो इस तरह के वाकयात होते हैं, आपके साथ तो नहीं हुआ कोई नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने जब टीम में था तब भी, और मेरे साथ भी अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं, टीम के किसी खिलाड़ी के साथ भी नहीं सर, होता बताता आप लोगों, वो बताता क्या खुद ही पता चल जाता है। और साइकेट्रिस्ट होते थे आप लोगों के साथ? नहीं नहीं सर, मैंने जितना पाकिस्तान टीम में रहा हूँ, हाँ क्लासेस वोट करवाता था ड्यूरिंग द कैंप हो गया या वैसी एकेडमी लगी है तो भाई एक आएंगे वो बात करेंगे आधा घंटे की पौन घंटे की होती है मोटिवेशनल बातें करते हैं। तौकीर जिया साहब के दौर में एक साहब थे जो खिलाड़ियों का अलग अलग डाटा लेते थे कि कितने बहन भाई हैं, क्या पूरी बैकग्राउंड मालूम करते थे। नहीं सर ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, बाकी हुआ होगा अगर आपके नॉलेज। ये खिलाड़ी देंगे डाटा आपको? नहीं सर, बात सिर्फ इतनी है, ये सब बाहर की चीज है, अगर आप ग्राउंड के अंदर, हाँ मेन चीज ये ग्राउंड के अंदर प्लेयर ने परफॉर्म करना है। आपने दुनिया का बेहतरीन कोच रखा है गैरी क्रिस्टन, उसके अलावा अजहर भाई हैं, उसके अलावा आपके पास पूरा स्टाफ है, आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो वीकनेस है, जो अपने पिछले मैच है अगर देखा जाए, हारे में मैच से सीखना चाहिए। अगर आप उस चीज से भी नहीं सीख रहे, क्योंकि आपके मुस्तकिल प्लेइंग 11 में एक डाउट है और वो आप क्लियर ही नहीं करने को तैयार, तो फिर आप पहला मैच होने तो देना अभी 6 जून। नहीं नहीं सर, मेरी बेस्ट विशेष है इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, मगर जो लास्ट 3 सीरीजों में हुई है वो बता रहे हैं होना चाहिए, वो आप प्लेइंग 11 ही गलत सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ तो बात होगी। अब चेंजेस होंगी एक्सपेक्टेड है कि जो अमेरिका, अल्लाह करे जो भी हो पाकिस्तान की हद का आसान नहीं लेना चाहिए इस ग्रुप को पाकिस्तान को। सर अगर आप पहला मैच देखने के बाद भी अगर आसान ले रहे हैं तो सर फिर गुड लक ही है, फिर यही कह सकते हैं। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल में वो आए और चले गए। अच्छा अब अगर हम बात करें खुर्रम, वेस्ट इंडीज की टीम उसको हम फेवरेट करार दे रहे थे, वो फंसी हुई नजर आई। साउथ अफ्रीका को हम समझ रहे थे कि साउथ अफ्रीका, लोगों ने कहा है कि क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए, साउथ अफ्रीका भी फंसा हुआ नजर आया, तो और अब इंडिया का मैच भी है, तो आप समझते हैं कि अब जो टॉप की टीमें हैं, और न्यूजीलैंड का भी मैच होना है बाकी, और युगेंडा ओमान, ये जो छोटी टीमें पापुआ न्यू गिनी नामीबिया, ये सब मुश्किल तो डालेंगी ना आप समझ। देखिए कंडीशन आसान नहीं है, अगर जिस भी टीम ने थोड़ा भी डिसेंट क्रिकेट खेल ली, देखें T20 ना बहुत बोलते हैं डेंजरस है, क्योंकि ना हर ओवर में गेम स्विच करता है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ। अगर आपने एक सेशन, हम टेस्ट मैच में सेशन बोलते हैं ना, चले हम 5 आवर की बात कर लेते हैं सर्किल के बाद, यहाँ सर्किल मैटर ही नहीं कर रहा सर, यहाँ गेम ही सर्किल के बाद हो रहा है। 6 आवर आप सेफ खेल गए, अगले 14 ओवर में आपके सारे बाहर आके बैठे हुए, आपने क्या 100 रन किए, क्योंकि पिच रीड करना और स्ट्राइक को रोटेट, ये दो चीजें यहाँ पे बहुत जरूरत है हर टीम को। जो स्मार्ट टीमें होगी ना उनकी सिलेक्टेड प्लेयर होंगे, उनको दिया जाएंगे गोल शायद कि आपने जाके अटैक करना है। लेकिन अमेरिका में तो चले, अमेरिका में 16 मैचेस हैं जिनमें से 8 मैच, और वहाँ अमेरिका में मैचेस भी कोई तगड़ी टीमों के ज्यादा नहीं है, छोटी टीमों के 8 मैच न्यूयॉर्क में और 4 मैच डेलस में और 4 मैच फ्लोरिडा में, तो अमेरिका की पिचेस तो चले लोगों को इतना आइडिया नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज का तो आइडिया होना चाहिए ना, होना चाहिए। और उसी को देखते हुए सबने तकरीबन टीमें अनाउंस की हैं, और जिन्होंने उस चीज को इग्नोर किया है तो वो गलती भुगतेंगे वो मैच वर्ल्ड कप के मेन राउंड में अगर आप पहुंचते हैं। क्योंकि देखें वहां पे आपको ना, देखें अगर देखा जाए, अगर कल आप चेस की बॉलिंग देख लें,
उसने कोई इतनी कोई कोई रॉक गयाना में जहाँ एक सेमीफाइनल होना है और आज बारबाडोस में आप बॉलिंग देख लें जहाँ फाइनल होना है जी, तो फर्क है। जो टीमें होमवर्क करके आई होंगी, जिन्होंने ये सोचा हुआ कि हमने इस सुपर एट में जाना है और हमारे मैचेस किधर हैं, उसको रखते हुए अगर किसी टीम ने स्पिनर्स डाले, क्योंकि वहां पे स्लो क्रिकेट होनी है, साथ में आपको स्पिनर्स तगड़े चाहिए और एटलीस्ट दो हर मैच में दिखेंगे। पार्ट टाइमर अगर आपके पास अवेलेबल है तो जाएंगे, हो सकता है तीन भी चले जाए जर्मन से। तो टीमों ने तैयारी की है और इन मैचेस से देख के जो स्मार्ट मूवर्स हैं वो सीख रहे होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा कहां से बात कर रहे हैं? हाफिज शाहिद यूसुफ अर्ज कर रहा हूं। कहां से? हाफिज शाहिद यूसुफ, गुजरावाला से। हाँ जी जी, क्या साहब जी? हाँ जी, बात ये करनी थी कि आजम खान को खिलाकर एक पूरे प्लेयर को मिस कर दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे? अजीब सी क्रिकेट हो रही है। शादाब खान को इफ्तिखार से पहले भेज दिया जाता है। आप ये देखें कि इफ्तिखार हमारा मेन प्लेयर है, उसको किया गया है 66 वनडे खेल चुका है, 60 से ज्यादा। मुझे उसकी मैच विनिंग इनिंग्स बता दें बहुत सारी इफ्तिखार की। नहीं, मैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात कर रहा हूँ, T20 के बारे में। नहीं तो T20 में बता रहे, मैं T20 तो बता रहा हूँ हाफिज साहब, के 60 से ज्यादा T20 खेला है, बताएं कितनी उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। साल जो ऑस्ट्रेलिया में T20 हुआ था उसमें उसने अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली थी, इसके अलावा इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। दो के अलावा बता दें फिर। फिर ऐसा है ना कि जब इन्वेस्ट हम इतनी देर से उस पर कर रहे हैं फिर उसको नहीं खिलाना चाहिए। इसी तरह तो फिर अगर आप देखेंगे तो सायम अय्यूब भी 20 या 25 रन का प्लेयर है। किस इनिंग किस मैचेस खेला है वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन इफ्तिखार अहमद तो 2016 से खेल रहा है, 8 साल से पाकिस्तान से। अब एक खिलाड़ी 8 साल से खेल रहा है, और ये बदकिस्मती हमारी कि हम उसका मुतबादल नहीं तैयार कर सके। आपकी बात दुरुस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार तो 8 साल से खेल रहे हैं, मिसबाह उल हक के फेवरेट थे, मिसबाह उल हक ने उन्हें टेस्ट डेब्यू भी कराया, टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले, और मिसबाह उल हक उन्हें कहते थे कि वो 3-डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, कि बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी, बैटिंग भी। बाबर आजम तो उनसे बॉलिंग नहीं कराते। क्या 2 डायमेंशन रह गई अब? सर मसला वो ये कि अब आप उसको कंसिडर किस लेवल पर कर रहे हैं, जो कप्तान है करंट। अब बाबर उससे एक्चुअली क्या निकलवाना चाह रहे हैं ये उसको पता है, या जिस जो प्लेयर है उसी को पता है? जहां तक थोड़ा बहुत मैचों से रीड करने की कोशिश की है, ये लगा भाई आप आखिरी 3 ओवर में जाएं, एक आध बॉल देखें, उसके बाद आपने फुल फ्लैश जाना है। जो उसको रोल दिया हुआ वो कोशिश करता है, उसमें कभी 3-4 छक्के लग जाते हैं, कभी वो आउट। इफ्तिखार की बात कर जी, इफ्तिखार 64 T20 में से 4-50 है उसके। यही अर्ज कर रहा हूँ, आजम को भी जो लाया गया था वो कहीं ना कहीं इसी वजह से 12 T20 में 88 रन है, हाईएस्ट 30 शॉट आउट अगेंस्ट आयरलैंड। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, के आजम को लाने की जो वजह थी कि नीचे ऑर्डर में हमारे पास हाई स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर होना चाहिए जो छक्के मार सके, और कोई साइंस नहीं। तो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही थी? सर कप्तान ने कन्विंस किया होगा ना, कप्तान तो कमेटी का सिलेक्टर कप्तान है। कप्तान कमेटी का मेंबर है और हाँ। कप्तान की चलती है ये आप भी जानते हैं, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट हाँ। को बहुत अच्छे जानते हैं। वो अपनी मर्जी से और खिलाता है। मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस है, कप्तान ही की चलती है। अच्छा, ये मैं क्लियर बता दूं आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जी उसने बोला था उसने छोड़ दिया, नहीं। वहां रियाज की नहीं चलती? नहीं चलती है, ऐसी बात नहीं है, मगर आप उसको वैल्यू देते हैं भाई, आपने टीम लड़ानी है। उसने बोला भाई टीम मैंने लड़ानी है, आप मेरे को तो मेरा प्लेयर तो दो। उसने हसन अली को डलवाया था, उसने अभी शादाब पे वो ट्रस्ट किए जा रहा है, आसिफ अली का भी डिमांड की थी, जो मुझे पता चला है आसिफ अली मुझे चाहिए। तो वो तो सीरीज 19-20 हो गई, जो आखिरी 3 सीरीज खेली है, मतलब वो भी आते, क्योंकि स्ट्राइक रेट ऊपर से आपको बॉटम में प्लेयर वो देख रहा है कि जो छक्के मार सकता हो, क्यों कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है। उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था, वो तो सर लेवल कुछ और था, वो दिख ही जाए दुनिया को। मैं एक और कॉलर है हमारे साथ जिनसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जाहिद खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जाहिद साहब, क्या पूछने जाएंगे? मेरा सवाल ये है कि 6 तारीख को हमारा यूएसए के साथ मैच है, और प्रीवियस जो कनाडा के साथ यूएसए खेली है उसने तो कमाल ही कर दिया है कि 17 ओवर में उसने 194 रन जो है वो चेस कर लिए हैं। तो मैं खुर्रम शहजाद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह मंजूर है? खुर्रम शहजाद तो टेस्ट मैच खेलकर अनफिट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, याद है आपको? खुर्रम मंजूर साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास तो क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है, तो ये क्या देखते हैं कि आगे हम जो 6 तारीख शादाब खान है ना हमारे पास? जी जी, शादाब खान नहीं है हमारे पास? आपकी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा हूँ शादाब खान है ना हमारे पास?
शादाब खान क्या स्पिनर, इतना अच्छा स्पिनर नहीं है जी शादाब खान। अच्छा, खुर्रम मंदिर से जवाब सुने राय साहब, जवाब सुने। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास भी अच्छे क्वालिटी स्पिनर हैं, इमाद वसीम की सूरत में, अबरार की सूरत में, और इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कप्तान को। अब कप्तान शादाब को पर्पसली खिला रहा है कि वो जाके एज ए एंकर रोल कर सकते हैं कि आप 5 नंबर 4 नंबर जाएं और आप हिटिंग जोन अपना जाके खोलें ताकि सामने वाली टीम डैमेज हो। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पाया है, मगर आप देखें कि अबरार, और अगर वर्ल्ड कप में देखें डैमेज तो करेगा अबरार, एक यूनिक बॉलर एक्शन के साथ आए, पहले मैच में देखते हैं ना खुर्रम। इसीलिए कहते हैं कि जाहिद साहब के जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो इसका मतलब ये हुआ कि शादाब खान के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा है ना, कप्तान का ट्रस्ट ज्यादा है उसका क्या? नहीं देखें, ट्रस्ट लेवल है तो खेल रहा है, और नॉन स्टॉप खेल रहा है, और बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बाबर पे क्रिटिसाइज हो रहा है, ये इसमें कोई दोराय नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है और बाबर पे शादाब और आजम खान की वजह से बहुत ज्यादा तंदुरुस्त, बहुत ज्यादा हो रही है। पहले साइम अयूब की वजह से हो रही थी, साइम अयूब को खिलाया नहीं। देखिए साइम को मैं इसलिए नहीं बोलता, साइम का वे ऑफ प्ले यही है, अगर कोई चाह रहा है कि वो आती धड़ाधड़ 500-600 कर देगा ऐसा नहीं है। हाँ डैमेज जरूर करेगा, मगर वो रिस्क लेके खेलने वाला प्लेयर है और वो इस तरह ही खेलेगा, किसी मैच में करेगा किसी मैच में नहीं करेगा, वो उसकी शुरू से ही ये वो बनावटी नहीं है कि होता ना कि आए तेज स्लो हो गए फिर तेज होगा, ऐसा नहीं है, वो उसका वे ऑफ प्ले है। इसलिए हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों को पाकिस्तान के मैच का बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार है, आज 3 जून हो गई है, पाकिस्तान 6 जून को अपना मैच खेलेंगे, लेकिन भारत उससे पहले अपना पहला मैच ICC T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को न्यूयॉर्क में खेलेगा। खुर्रम आप क्या समझते हैं, इंडिया 5 जून को अगर खेलेगा आयरलैंड के खिलाफ तो उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि आज हमने देखा आउटफील्ड भी आप देखें स्लो थी, स्ट्रोक अगर लग रहा था तो, और ग्राउंड बड़ा था। अगर आप आपको याद हो हमने डिस्कस किया था जब पूरा वर्ल्ड कप को लेके, तो मैंने आपको बताया था ग्राउंड सर सारे बड़े, छोटा ग्राउंड नहीं है, कोई जहन में ना कोई 60 गज 65 नहीं है, न्यूयॉर्क वाला ही नसाओ काउंटी का, यही मैं बोल रहा हूँ ना सर, सारे प्रॉपर 70 75 80 गज पे आपको बाउंड्री डैलस का भी बड़ा है जी, और उसके बाद भी स्पेस होती है, अगर स्क्वायर पे पिच कोने वाली है, वैसे तो सेंटर ऑफ द पिच होती है वो, उस पर मैच होता है इंटरनेशनल, अगर आप स्पेस को देखें तो उसके बाद भी होती है, उसके बाद फैंस शुरू होते हैं, तो आप ये आप अब उस सवाल पे आ जाते हैं जो आप बोले इंडिया की प्रिपरेशन, उनको एडवांटेज तो होगा, मगर अगर वो हार गए पहला मैच तो उसका एडवांटेज हमें होगा आयरलैंड से। आप देखिए क्रिकेट बहुत फनी गेम है और जिस तरह की पिच है ये बाकी फनी है, मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया हार जाएगा, ऑन पेपर देखें ऑन पेपर पर उनके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे सर, पूरे टूर्नामेंट में हर टीम स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, अभी तक 4-5 मैच हुए सब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वेस्ट इंडीज भी फंस गई थी, एरन जोन्स ने तो स्ट्रगल नहीं की, 10 छक्के लगाए उसने कनाडा के खिलाफ सर, वो 94 नॉट आउट पूरे अभी 4 मैचों में सिर्फ एक ही एक हाई स्कोरिंग गेम हुआ है और वो चेस हो गए, और उसपे भी उसने मोमेंटम क्रिकेट खेली है, अगर वो थोड़ा सा ट्रिपिकल तो वो भी मैच निकल जाता। एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, साहब जुबैरी यस कर रहा हूँ दुबई से। जी साहब जुबैरी साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप भी कहेंगे तो पीछे ही पड़ गया। नहीं, अच्छी बात है, आप अगर वहाँ पर दुबई में बैठकर हमारा शो देख रहे हैं और हमें कॉल कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज आजम खान के अलावा कुछ और कहें? नहीं नहीं आजम खान के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे सुबह इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं वो मैं टंग आया था उसके ऊपर, तो मैंने मतलब लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं जब भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पक्का पक्का प्रोग्राम मैं नहीं दो सही बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, हाल में 1 करोड़ लोग बाहर रहते हैं उसमें, हाल में 1000 आदमी तो आपका प्रोग्राम देख रहे होते हैं माशाल्लाह। चलिए अच्छा, क्या आज मैं इन क्रिकेटर्स के हवाले से कुछ नहीं, मैं आपके हवाले से बात करना चाहता हूँ, जरा थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप इस मीडिया में आपकी माशाल्लाह इतनी नॉलेज है, इतना एनालिसिस है आपका, भी आप बता रहे थे कि इफ्तिखार ने कितने जितवाए मैच और सबका, आप मीडिया में कैसे आए और मतलब कैसे एनालिटिक्स में आप आ गए, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी इस वर्ल्ड कप की ड्रीम टीम के 5 प्लेयर बताइए, 6 प्लेयर बता दें आप मुझे, तो आपके वो 6 प्लेयर कौन सी होंगे? पाकिस्तान का एक होना चाहिए, जो बाबर आजम होगा पाकिस्तान का एक हो गया, ठीक है, दूसरा भारत का विराट कोहली होगा, ठीक है अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं आप, हमें 2 और लेने, उसमें एक मैं इंग्लैंड का लूंगा जॉस बटलर, ठीक है 3 हो गए, और उसके अलावा न्यूजीलैंड का मैं लूंगा रचिन रविंद्रा,
ओके रविंद्रा चार, और एक वेस्ट इंडीज का जो है वो मेरी नजर में निकोलस पूरन होगा। ओके पांच और छठा। अच्छा छठा प्लेयर जो है वेस्ट इंडीज हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका से अगर जो करंट फॉर्म को मैं देखते हुए अगर मैं फिर भी मुझे डाउट है उसकी फिटनेस पे, आंद्रे नोखिया जो है जिसने आज चार ओवर में सात रन देकर चार विकेट हासिल की, लेकिन मैं आंद्रे नोखिया पर, चूंकि आपने पाकिस्तान का एक ही कहा है तो शाहीन शाह अफरीदी हो गया, तो आंद्रे नोखिया के अलावा अगर मैं किसी और प्लेयर को कंसिडर करूँ जो कि इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा जिससे बड़ी तवक्कोआत वाबस्ता है, तो वो फिर मेरी नजर में, आपने इंग्लैंड का भी एक ले लिया, हमने और कौन होता है साथ जुबैरी, एक और कौन रह गया मुझे बताएं, आपने श्रीलंका लिया, ऑस्ट्रेलिया का नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया का आपने एक भी नहीं लिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया का नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है ट्रेविस हेड। अच्छा, और आखिरी सवाल इसी के ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर इस ड्रीम टीम को इस वर्ल्ड कप की तमाम टीमों से खिलाया जाए तो कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी टीम जीतेगी? नहीं, इसके काफी 80% चांसेस है कि जीतेगी। जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कॉल करते रहा करें, दुबई से आपने कॉल की, अच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए कि जिनकी नॉलेज भी हो और जिनका इनपुट भी हमारे प्रोग्राम को और मजीद निखारने में मददगार साबित हो, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम आप बताएं, चले उन्होंने तो मुझसे पूछ लिया, अब आप बताएं। सर अभी तो वर्ल्ड कप पूरा नहीं, टॉप के जो पांच प्लेयर आप सिलेक्ट करें जो वर्ल्ड कप में, मैंने बीच में बोला नहीं, उन्होंने छह नाम सारे बैट्समैनों को पूछे थे या बॉलर के या मिक्स पूछे थे, अब कुछ समझ नहीं आया ना। अगर अगर ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं लूंगा तो मैं मिचेल स्टार्क को लूंगा, पाकिस्तान का लेंगे तो मैं शाहीन को लूंगा, और अगर वेस्ट इंडीज का अगर बॉलर लेंगे तो हम मैं वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन को लूंगा। इंग्लैंड का अगर शादाब खान को नहीं रखेंगे सर, आपने मेरी मर्जी पूछ ले, आप अपनी बता दें। अच्छा, और तीन ही होगा सर, तीन और प्लेयर है, वो इंग्लैंड का हो गया। अच्छा, इंग्लैंड में मैं अगर बॉलर देखा जाए तो सर वो जो भी आया जोफ्रा आर्चर और क्या नाम है, और कौन सी टीम बची सर, इंडिया इंडियन बुमरा हो गए। अच्छा, न्यूजीलैंड ट्रेंट बोल्ट सही है, क्योंकि ये वो क्रीम तो है सर, सारे इधर से फास्ट बॉलर, मैंने बैट्समैन बता दिए सर, आप बैट्समैन आप बता दें, बॉलर मैंने बता दिया, मैंने बैट्समैन, स्पिनर्स में कौन कौन से स्पिनर, आपने अकील हुसैन को तो रखा, अकील हुसैन है, उसके बाद सर जडेजा, रविंद्र जडेजा, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका का जो है महाराज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इमाद वसीम सर, इमाद वसीम को हाईली रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि नए बॉल से जितना इफेक्टिव वो है उसको देख के लोग गेन कर रहे हैं। सर अकील हुसैन की अगर आप देखें कल जो उसने आउट किया है, हाँ। वो एक सेम इमाद वसीम वाली बॉल थी जिसको हम फिंगर बॉल बोलते हैं, एयर में अंदर आता इन स्विंग बॉल की तरह, तो बहुत ही आला उसने उस चीज को डेवलप किया था, तो लोगों ने अब उस चीज को शुरू कर दिए, ये इमाद वसीम की स्पिनर नहीं रखा, राशिद खान तो सब टॉप का है। देखिए स्पिनर की बात की तो जो वहां मुझे लगा राशिद खान, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो दोनों बड़े बॉलर हैं, मगर मुझे ऐसा लगा ये इफेक्टिव होंगे। हां ये मेरे। अच्छा अब इस तरफ आते हैं, युगंडा का कल मैच है। जी सर। किससे? सर युगंडा का मुझे नहीं पता किससे। युगंडा का कल मैच है और लोग हैरान होते ना कि युगंडा की टीम में क्वालिफाई कर लिया। सर मसला ये है कि ये जो टीमें हैं ना, जो 20 टीमें, इसमें इनका अफगानिस्तान से, और एक बात को फिर वही आ जाती है कि हम पिच क्यों लेके, सारा एक सवाल या निशान है पिच, अब इस पे जो पहले डिसेंट स्कोर कर गया वो फिर सामने कोई भी बैटिंग लाइन हो, युगंडा कर गई, युगंडा आपने देखा नहीं वो जो मैच कल फंसा था वेस्ट इंडीज वाला, वो अगर वो आउट हो जाता पुरन पहली गेंद पे जो LBW, तो वो 27 रन माइनस कर दे तो आप सोचे 50 रन का डिफरेंस था सर। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं? सर इनाम बात कर रहा हूँ, गुजरात से। जी इनाम बात कर रहा हूँ, गुजरावाला से इनाम, पहलवानों का शहर है गुजरावाला। सिरदाई वगैरह पीते हैं आपके? नहीं, या चिड़े वगैरह खाए आपने? जी अल्लाह का ठीक है, अल्लाह का। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इनाम साहब? सर मैंने सवाल आपसे ये करना है। जी जी आप पूछ के सवाल कर रहे हैं मेरे ख्याल में, किसी से सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा चले, जब आपको सवाल याद आ जाए तो हमें कॉल कीजिएगा, इनाम साहब से गुजरावाला से, वो किसी से सवाल पूछ के कर रहे थे। खुर्रम आपको अंदाजा हुआ, लग रहा था ना किसी पूछ रहे थे? मुझे ऐसा लगा बैठक में थे और वहां से एकदम
प्रोग्राम कहीं देख रहे होंगे तो उन्होंने बोला कॉल करें और बात करें, लेकिन साथ जुबैरी ने कहा कि पूरी दुनिया से लोग उनको व्हाट्सएप करते हैं। इसमें कोई डाउट थोड़ी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड कप का और वो हर चैनल कर रहा है उसमें हमारी हमारी जो प्रोग्राम है हम हमारे प्रोग्राम की इसलिए नहीं कि मैं और आप बैठे हैं, हमारे प्रोग्राम में सिर्फ जो बात होती है क्रिकेट की, सिर्फ क्रिकेट की बात होती है और जो ऑन अ डे क्रिकेट का मैच होता है नॉलेज भी देते हैं प्रोग्राम के बीच में, नॉलेज भी देते हैं। तो सर जिस तरह आपने कल 180 साल पुराना मैच तो परेशान हो गया तो इस तरह अच्छा, मैं मेरे जहन में यही था कि इंग्लैंड ने ही बुनियाद डाली है, कल आपने मुझे करेक्ट किया कि नहीं 1844 में पहला मैच हुआ और फिर 1877 में मार पहला टेस्ट मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी टेलीफोन कॉल भी शामिल करेंगे और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात भी करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आज देखा आपने कि न्यूयॉर्क के स्टेडियम में काफ़ी लोग मौजूद थे, श्रीलंकन सपोर्टर्स भी थे। कोई तस्वुर कर सकता था कि अमरीका में इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच होगा वो भी T20 वर्ल्ड कप का, कोई सोच नहीं सकता था। सोचा भी नहीं था, पहले कभी हुआ भी नहीं। हुआ तो वो सेलिब्रिटीज़ का मैच हुआ और फिर उसके बाद बड़े बड़े लेजेंड्स को बुलाया, वो एक मैच जो हुआ था उसके बाद बिल्कुल, और वो भी बेसबॉल के ग्राउंड पे हुआ था, ऑफिशियल ग्राउंड भी नहीं था। अब तो प्रॉपर स्टेडियम, प्रॉपर 2-3 स्टेट्स में बन रहे हैं ग्राउंड और जो नॉर्मल ग्राउंड है उनको डेवलप कर रहे हैं, तो पब्लिक अब इंटरेस्ट ले। मैंने बोला ना जो अमेरिका ने मैच जीता है ना उससे बहुत फर्क पड़ा है पब्लिक। अब इनके जो बकिया मैच है ना वो रिजल्ट का नहीं पता, मगर वो सर उनकी पब्लिक आई उन्हें बैक करने, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है और जिस तरह का स्टार्ट लिया है वर्ल्ड कप के अंदर, सर बड़ा मेजर इवेंट है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका अगला मैच जो है वो 6 जून को 7,000 तमाशाई सिर्फ बैठ सकते हैं, वहां कम है डेलस पे सर, यहाँ 34,000 है न्यूयॉर्क में। मुझे ऐसा लगता है वो वहाँ का जितना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ये सेटिंग इनफ है, तो वहाँ लोग आए। ह्यूस्टन तो में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है खुर्रम, ह्यूस्टन तो डेलस में बड़ी तादाद मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, मिनी पाकिस्तान डेलस में, जिस तरह इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड जो है वो मिनी पाकिस्तान, ह्यूस्टन को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, स्पेशली शुगरलैंड एरिया, वहाँ 5,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अक्सरियत रेस्टोरेंट वगैरह सारे वैसे ही हैं जैसे देसी, अब आप नॉर्मल कराची में घूम रहे हैं, लाहौर में घूम रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन लोग आएंगे फिर वहाँ डेलस का तकरीबन 2.5-3 घंटे की ड्राइव है। मेन चीज ये सर टिकट बहुत महंगा है। अच्छा, उस मैच का टिकट बहुत महंगा है जो पता चला, नहीं सर जो पाकिस्तान इंडिया वाला जो मैच है उसका टिकट ही बहुत महंगा है जो पता चला है, कोई $2,500 का टिकट है वो। तो जो शौकीन बंदे हैं वो तो खैर नहीं देखते इन चीजों को, मगर थोड़ा इंसान थोड़ा ख्याल ही करता है, बोलता है भाई इतना महंगा टिकट कौन खरीद के जाए। इंडियंस खरीद रहे हैं दबा, नहीं देखे पैशनेट भी तो लोग है ना। एक शहर से दूसरे शहर जाके देख रहे हैं, मुल्क से जाके देख रहे हैं, हमने वर्ल्ड कप पूरा कवर करना है, ऑनलाइन टिकट ले लिया या जो भी प्रोसीजर था उनका लिया जा रहे हैं, पैशनेट लोग हैं देख रहे हैं जाके। अब उसको उनको रिजल्ट से मतलब नहीं, हम वर्ल्ड कप देखने आए भाई, हमने इंजॉय करना है और वर्ल्ड कप के अंदर जो भी खेले अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसके साथ। पाकिस्तान से भी साफियों की एक फौज गई है सर, बहुत सही जाती है सर। इस दफा तो अमेरिका गए ना, क्योंकि अमेरिका यात्रा बड़ी जरूरी थी ना। अच्छा, मौका नहीं मिलता ना अमेरिका में क्रिकेट का होती है। देखिए साउथ अफ्रीका में हो गई, न्यूजीलैंड में हो गई, इंग्लैंड में हो गई, ऑस्ट्रेलिया में हो गई, लेकिन मगर अब मुझे लग रहा है वहाँ क्रिकेट ज्यादा होगी अब होगी। T20 वर्ल्ड कप से एक हाइप बनेगी, एक हाइप बनेगी और उनकी बेसिक देखें बोलने की वजह ये है उनकी टीम अच्छा भी कर रही है। एक होता है ना कि टीम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही है और आप जबरदस्ती आप हवा दे रहे हैं, उनकी टीम अच्छा भी कर रही है, उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया है, आगे भी एक आध टीम ऐसी है जिसको वो हरा सकते हैं, आप जिसको बोल सकते हैं। हाँ, टफ मैच इस सेंस में कह सकते हैं कि कंडीशन उनको समझ में है, कहीं आपकी टीम या दूसरी टीम बड़ी नाम जो है वो कहीं 19-20 हो गए और कहीं उनको बोलते हैं ना ऑन अ डे अच्छा क्रिकेट खेल गया तो वो शायद किसी बड़ी टीम को भी कर जाए। जो चंद टीम है जैसे ओमान, उसमें ओमान के लोकल लोग ओमान के याद आया मुझे इकबाल भाई, बड़ा डिसअपॉइंट किया उन तमाम 11 के 11 प्लेयरों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मैच सुपर ओवर में चला गया, फिर जिस तरह की सामने वाली टीम ने खेला ना मैं तो अच्छा पिच को ब्लेम ज्यादा हो रहा है। वो मैंने मैच देखा सर, पिच में ऐसा कोई खास वैरायटी नहीं था, था मैच अच्छा पिच था, थोड़ा स्लो था और बाउंस इवन था, अगर लो बाउंस है ना तो वो लो बाउंस ही चला है पूरा, ये नहीं कि जी ऊपर भी आ रही है नीचे भी रह रही है, तो उसपे शॉर्ट सिलेक्शन स्पेशली जो चेस कर रहे थे टीम का नाम नमीबिया, उन्होंने इतनी पुअर शॉर्ट सिलेक्शन, सीधा सीधा मैच वो सुपर ओवर में लिया
और अगर वो कीपर का थोड़ी सी वो सुस्ती कह ले कि उसने बोला भाग के मारने से बेहतर मैं ऐसी थ्रो कर दूं, अगर वो भाग के मारता और वो मैच ओमान जीत गया था। वो बोलते ना स्मार्ट क्रिकेटर किसको कहते हैं, स्मार्ट। आप वो याद होगा जो वर्ल्ड कप में धोनी का गप्टल की थ्रो पे रन आउट हुआ, जो आगे बॉल पिक करने के लिए उसने आईडीएस से बॉल को लेफ्ट किया और वो हिट हो गया और वो धोनी आउट हुआ और वो मैच जीत गए न्यूजीलैंड। ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो ऑन स्पॉट स्मार्ट क्रिकेटर करते हैं, तो उसकी वजह से आज वो देखा जाए ओमान जो मैच हारी है ना वो कीपर की मिस्टेक से हारी है। सुपर ओवर में 22 रन कहाँ चेस होते हैं सर, बहुत होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, अतीकुर रहमान मलिक बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। वालेकुम अस्सलाम अतीकुर रहमान मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? सर मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल पाकिस्तानी टीम से मुताल्लिक है, जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तानी टीम है, ये मेरे ख्याल में भी और यकीनन आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मौजूदा जो टीम है वो जो बेस्ट खिलाड़ी हैं उन पर मुश्तमिल है, इससे बेहतर टीम शायद तश्कील नहीं दी जा सकती थी। अच्छा, इसमें एक दो तब्दीलियां जरूरी हैं, हो भी सकती हैं और वो होंगी इंशाल्लाह। चले और क्या कहना चाहेंगे आप, ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, सवाल क्या करेंगे आतिक साहब? सवाल में यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि एक बेहतर टीम का इंतखाब होने के बावजूद हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे, क्या एतमाद की कमी है या कोई और वजह है, ये मेरा एक सवाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, क्या कहेंगे आप? इतमाद सर, अगर 5-5 साल से खेलने वाले भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे तो फिर नए जाने वाले उस्मान और साइम से और दूसरों से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? 5-5 साल हो गए, 6-6 साल एक बंच एक सारा पैकेज, जी ये एक अच्छा है और ये बड़ा जीत रहे हैं, जीते जबकि कुछ भी नहीं है। क्रिटिसाइज नहीं है, जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, आप रिवॉर्ड नहीं आ रहा। आप होम सीरीज हार गए, होम सीरीज तो जीतो, फिर सीरीज हुई आयरलैंड से वो बड़ी मुश्किलों से आपने जीती, वो दिख रहा था स्ट्रगलिंग दिख रही थी, फिर आप जिन कंडीशंस में जा रहे हैं वो भी आसान नहीं है, इवेंट बड़ा है। लास्ट 4-5 साल में आपने कौन सा इवेंट जीता है? कोई बड़ा इवेंट नहीं। फाइनल में जरूर पहुंचे, एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, टी20 वर्ल्ड कप के। सर फाइनल में पहुंचने के बाद अगर कोई ट्रॉफी मिलती ना तो फिर वो सर न्यूजीलैंड और दूसरी टीमों को दादा देते थे। सर कप कप होता है, जीत जीत होती है, सही। तो आपकी मर्जी से जब आप टेबल पे बैठ के मनवाते हैं ना कि मुझे ये प्लेयर चाहिए तो फिर रिजल्ट भी चाहिए, क्योंकि देखें पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा, पूरी पूरी पब्लिक देख रही है, पूरा पाकिस्तान एकजुट होकर बैठता है, मैच देखने के लिए बैठते हैं कि आज पाकिस्तान खेल रहा है ये जीतेगा। जब वहां पे 11 की टीम सही सिलेक्ट नहीं होती तो मैच आप हारेंगे। अनफॉर्चुनेट कोई गंदी क्रिकेट खेल के आपको जितवा दे वो अलग चक्कर है, मगर रियलिस्टिक ये बात है कि आपकी प्लेइंग 11 में बहुत सारे मसले हैं, आप उसको सही करें आप वर्ल्ड कप में अच्छा आगे तक जाएंगे। अच्छा चले, 4 कौन से बाहर बैठ सकते हैं? चले आप 11 को छोड़ दे, 4 जो 15 में से 4 बाहर बिठाएंगे ना तभी 11 एक अच्छी प्लेइंग 11 बनेगी। 4 कौन से बाहर बैठ सकते? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शादाब हो गया, एक फिर अब्बास 2, फिर तीसरा आप आ जाए उस पर नसीम शाह 3, और चौथा आप आ जाए साइम अय्यूब 4, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। नसीम शाह को भी बिठाएंगे? वो फुल फिट नहीं लग रहे सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनकी बॉलिंग उठा के देखें, जब से वो रिहैब से आए वो नसीम शाह मिसिंग है टोटल, या वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी फील कर रहे हैं कि अनकंफर्टेबल है कि मैं थ्रू आउट जोर मारूंगा कहीं इंजर्ड दोबारा ना हो, और कहीं ना कहीं उसको जो रेस्ट कराने का प्रोसीजर है ना वो भी मुझे यही वजह लग रही है, वरना हमारा वो बैठने वाला प्लेयर ही नहीं है। अगर आप देखें बर्मिंघम का मैच नहीं खिलाया था ना उसे, सर इसी वही तो वजूहत है, यही मैं बोल रहा हूँ कि उसको बेसिकली वर्ल्ड कप के लिए सेव कर रहे थे, और वर्ल्ड कप में भी मुझे नहीं लगता कि वो सारे मैच उसको जहाँ ये देखेंगे थोड़ा जोन सेव हुआ है, उसको रेस्ट कराएंगे। परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहा था ना, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी टीम उसकी, चैंपियन हुई पीएसएल। वो रिदम जो एक फास्ट बॉलर का है, जो जिस नसीम शाह ने इंग्लैंड के खिलाफ जो बॉलिंग की थी वर्ल्ड कप में, जो बटलर स्ट्रगल कर रहा था, वो मिसिंग है टोटल अनफिट होने के बाद से, तो उसका टाइम लगेगा। आई होप कि वो आए फुल फिट हो और मैच खेले पाकिस्तान के लिए जितवाए, वो बैठने वाला प्लेयर नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है आमिर शाहीन और हारिस 3 फास्ट बॉलर, अबरार और इमाद वसीम, अगर पार्ट टाइमर है तो फिर आप आ जाएं इफ्तिखार पे, तो ये 6 बॉलरों के साथ आप खेलेंगे। आपकी टीम में 7वें नंबर पे आदम भी दिख रहा है इस तो आप आदम खान को भी रखे हुए इस टीम। देखिए मैं 7वें नंबर के हिसाब से टीम बता रहा हूँ, अगर आप तो आप 7वें पे उसको रखेंगे तो फिर कीपिंग कौन करेगा? सर उसको करानी पड़ेगी अभी आपको उसको तो नहीं दे सकते ना, मैं हरगिज उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल सर स्ट्रगलिंग पे,
मैं मानता हूँ, लेकिन कीपिंग आप देखें ना, चले मैंने मान लिया सात पे का एक मैच में, मैं बता रहा हूँ एक अरसे से इस पे प्रेशर तो इंपॉर्टेंट मैच में कोई कैच गिरा देगा तो सर किसी से भी गिरा, हसन अली से नहीं गिरा था, वर्ल्ड कप की बात, वर्ल्ड कप में ही गिरा था ना जो हार गए थे। लोग ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि रिजवान के होते हुए आजम कीपिंग नहीं, वो तो नहीं ठीक है ना, आप आजम को खड़ा कहाँ करेंगे फिर, छुपाएंगे उसको ये पर नहीं, छुपाने से मुराद ये कि वो इतना एजाइल नहीं है, कप्तान भी कहता है, सब लोग कहते हैं कि वो अगर खेलेगा एज अ विकेट कीपर खेलेगा, वरना एज अ फील्डर वो नहीं खेल सकता। सातवें पे मान लिया चले पिंच हिटर है, हार्ड हिटिंग करेगा, लेकिन फिर उसको हम एज अ कीपर रखेंगे तो जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ देखा आपने, कैचेस दो ड्रॉप हुए, मिस हुआ, वो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, कीपिंग उसकी अप टू द मार्क नहीं थी, उसको करना पड़ेगा। चले इस पर हम कल मजीद बात करेंगे, इसके साथ ही जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची, इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा